का पहचान के लिए एक जगह नहीं था। मैसूर बताया जाता था, पर मैसूर के अंदर भी कन्नड़िगास थे और तमिलनाडु जो तमिल एरिया के अंदर भी कन्नड़िगास थे, केरल में कन्नड़िक थे, आंध्रा महाराष्ट्र में भी कन्नड़िक थे। तो हमारा कोई पहचान नहीं था, तो इसीलिए देश में बहुत सारा वो बातचीत करने के बाद जो हमारे लीडर बातचीत करने के बाद हमने पूछा कि हमारा एक पहचान चाहिए, हमें एक राज्य दो, एक प्रांत ऐसे बना दो जो कि हम सारे कन्नड़िगास को एक पहचान दे। पर उन लोगों ने मना किया इसलिए कि आप लोग सब अपना प्रांतवादी जो आप बन रहे हो कि हमारा ये राज्य, उनका ये राज्य, केरला का ये राज्य और राजस्थान का ये राज्य ऐसे बना दो तो फिर देश फिर बिगड़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। पर बहुत कुछ साल बाद उनको ये महसूस हुआ अगर सब हम लोग अपना अपना जो पहचान मिलेगा, जो देश आजाद जब हुआ हुआ था बस 14 स्टेट्स था, उसके बाद चलते 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 आज भी आज ऑलमोस्ट 25 प्लस स्टेट्स है। ऑलमोस्ट वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही हम लोगों को स्टेट्स रिओर्गनाइज किया हुआ है। अब कर्नाटका दिवस इसलिए मना जाता है, ऐसे नहीं कि हम लोगों को के लिए वो फाइनली फ्रूट मिला है। और जैसे आप सोचते हैं कर्नाटका में बस एक ही लोग है, कन्नड़ा बात करते हैं, सब अंडरस्टैंड होता है उसमें, ऐसे नहीं है। क्योंकि मेरा बड्डी है विजय, वो नॉर्थ कर्नाटका से बिलोंग करता है, बेलगाम है ना विजय? हाँ, जो मैं बोलती हूँ कन्नड़ा उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो कर्नाटका के अंदर ही इतना सारा डिफरेंस है, ऐसे नहीं है कि कर्नाटका में जाते हो उसमें कोंकणी तुलु ऐसे भी बात करते हैं जो हमें समझ में नहीं आता। मराठी जैसा उनका स्टाइल बन जाता है वो समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही है कर्नाटका में, हर 200-200 किलोमीटर जाने से भी बहुत कल्चर के असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक छोटा सा फंक्शन हमने बहुत धूमधाम से बनाया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सजाया, कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमने सपने भी नहीं सोचा था कि हम बिहार में आके कन्नड़ा राज्योत्सव सेलिब्रेट करेंगे और ये सारा पूरा। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों ने बोला।